दिल्ली की वो विडो कॉलोनी जिसकी बड़ी आबादी एक लंबे अरसे तक नशे के जहर में डूबी रही। लोगों के पास घर तो है लेकिन जीने की वजह और उम्मीद दोनों ही नहीं बची। ज्यादातर बच्चों की माँ कोर्ट के चक्कर काटते हुए चल बसी थी और बहुत सारी औरतें इतने गहरे डिप्रेशन में चली गई कि अपने बच्चों तक की सुध उनको नहीं रही। चुन चुन कर सिख समुदाय के लोगों पर एक खास तरह का सफ़ेद पाउडर डालकर जला दिया गया। ऐसा माना गया कि ये सफ़ेद पाउडर वाइट फास्फोरस था, जो एक बेहद खतरनाक केमिकल है जो चमड़ी से होते हुए हड्डियों तक को जला देता है। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर ये सांस से होते हुए भी शरीर में चला जाए तो भी ये जानलेवा होता है। इसी कारण यूनाइटेड नेशंस ने इस पर बैन लगा रखा है। हर तरफ मारो मारो की आवाजें आ रही थी। सभी औरतों को पकड़कर एक लाइन लगाकर खुले में बैठा दिया गया। दंगाई टॉर्च से एक एक चेहरे पर रोशनी डाल रहे थे और सबके शरीर को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। जो पसंद आई उसको उठाकर ले गए। एक एक औरत को चार चार लोग उठाकर ले गए। कितनी तो वापस ही नहीं लौटी और जो वापस लौटी वो फिर पहले जैसी कभी नहीं हो पाई। दहशत इतनी थी कि पूरे पेट वाली औरतों के बच्चे हो गए लेकिन ज्यादातर बच्चे मुर्दा पैदा हुए। तीसरे दिन आर्मी और पुलिस वाले पहुंचे और जले हुए लोगों को ट्रक में डालने लगे। इनमें कई जिंदा थे और कईयों के मुंह से पानी पानी की बुदबुदाहट आ रही थी, लेकिन सबको ट्रक में डालकर यमुना नदी में फेंक दिया गया। बहुत सारे लोगों की मुंडियां हिल रही थी, सिर हिल रहे थे, लेकिन उन्हें भी मुर्दों के साथ भरकर नदी के ठंडे पानी में बहा दिया गया। नवंबर का महीना था, अध जला शरीर और बची कुची जान ठंड के कारण निकल गई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा घटनाक्रम, एक ऐसा हत्याकांड लेके आया हूँ जो आप सब लोगों ने न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर कई तरह की कहानी के रूप में सुना होगा, लेकिन इस हत्याकांड की गहराई तक कोई नहीं गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1984 के सिख दंगों की। लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा फेलियर जिसने क्रूरता की हद पार कर दी। आज इस वीडियो में मैं आप सबके सामने रखूंगा इस पूरे कांड की सच्चाई, जिसको सुनकर कलेजा फट जाएगा कि आखिर कैसे इंसान राजनीति की चकाचौंध में इतना पागल हो सकता है कि बिना सोचे समझे इंसानियत का ही वध कर देता है। शासन प्रशासन बहुत कैपेबल होता है। IAS और IPS अफसर अगर चाहते तो सिख दंगों को रोक सकते थे, लेकिन राजनेताओं के साथ साथ इन अफसर शाहों ने भी अपना ईमान और मानवता राजनीतिक गलियारों में गिरवी रख दी थी। 55 साल की पप्पी कौर थरथराती आवाज के साथ दुपट्टे से आंखें पोंछते हुए कहती है, अक्टूबर का आखिर था जब पूरे परिवार ने साथ बैठकर रोटी खाई और फिर सब बदल गया। 6 फीट से ऊंचे जिस पिता को देखकर हम डरते थे, गले में फंसे टायर के बीच उसको धू धू जलते हुए देखा। पूरे 3 दिनों तक गलियों में मौत नाचती रही, जब तक आर्मी आई सब खत्म हो चुका था। कुछ जली हुई लाशें और कुछ जिंदा लाशें बची। सैकड़ों की भीड़, सबके हाथ में लाठी तलवार और मशालें थी। पहले लाठियों से पीटते, फिर जलता हुआ टायर गले में माला की तरह डाल देते थे। चुन चुन कर परिवार के पुरुषों को मारा और उसके बाद जनानियों की बारी आई। खुले में सबको बैठाया और छटनी होने लगी। जो औरतें उन्हें पसंद आती उन्हें उठाकर वो ले जाते। कितनी गैंगरेप से मरी, कितनी शर्म से मरी, कुछ नहीं पता। दिल्ली का तिलक विहार, बेहद घनी आबादी वाली इस बस्ती को लोकेशन ट्रैकर पर डालो, गूगल मैप पर डालो, तो आज भी लिखा दिखेगा विडो कॉलोनी। करीब 2000 फ्लैट्स वाले इस इलाके की यही पहचान है। यहाँ या तो विधवा महिलाएं रहती हैं या फिर विधवा महिलाओं के बच्चे। ये वो लोग हैं जिनके परिवार के तकरीबन सभी पुरुष 1984 के दंगों में मारे गए थे। 31 अक्टूबर को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सिख बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। 3 नवंबर तक इस समुदाय के हजारों लोगों की हत्या हुई, सैकड़ों बलात्कार हुए और कितने ही लोग बेघर हो गए कुछ नहीं पता। बाद में पश्चिमी दिल्ली में इन्हें मकान अलॉट किए गए। जलते हुए पति बेटों को अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरता देख चुकी विधवा महिलाओं को सांत्वना देने के लिए दफ्तरों में चपरासी का काम दे दिया गया और मामले को दबा दिया गया। ना उन्हें इंसाफ मिला, ना किसी ने उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। तिलक नगर में बिना प्लास्टर की दीवारें इस विडो कॉलोनी की पहचान है। ज्यादातर घरों के बाहर रंगाई पुताई नहीं है, संकरी पतली गलियां जो आज भी उस घटना के दर्द को अपने पल्लू में समेटे हुए हैं। वहीं पर रहने वाली निर्मल कौर बताती हैं, दंगों का जिक्र सुनकर आज भी कलेजा भर आता है। 31 तारीख को इंदिरा गांधी की मौत की खबर आई,
उससे पहले सब ठीक था, हमने रोज की तरह मिलकर खाना खाया और बातचीत की। फिर माहौल एकदम से बदलने लगा। गलियों में कभी एकदम से शोर मचने लगता तो कभी एकदम से सन्नाटा छा जाता। जमीन के नीचे तबाही मचा देने वाले भूकंप की तैयारी चल रही थी और सब कुछ गुपचुप तरीके से हो रहा था ताकि संभलने का मौका ही ना मिले। 1 नवंबर की सुबह गुरुद्वारे पर हमला हुआ। वहां से होती हुई भीड़ हमारी गली तक पहुंची। हमने लकड़ी का अपना दरवाज़ा जोर से बंद कर रखा था। दरवाज़ा जितनी ज़ोर से पिटता हमारा दिल उतनी ही ज़ोर से धड़कता। दंगाइयों ने आखिरकार पिताजी को पकड़ लिया। वो कभी हिंदी में तो कभी पंजाबी में रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उन पर कोई पाउडर डाला गया और बालों में आग लगा दी गई। हमारे सामने वो आग में धूं धूं करके जलते रहे, जलन से चीख रहे थे। मैं बचाने के लिए लपकी, लेकिन भीड़ में से कुछ हाथों ने मुझे खींचकर अलग फेंक दिया। बचाते हुए मेरा हाथ कोहनी तक जल गया था। कोहनी दिखाते हुए 50 साल से ऊपर की ये महिला फूट फूट कर रो पड़ी। जवान भाई को मारा, चाचा ताऊ को मारा, मौसा को मारा। वो एक एक करके परिवार के सारे रिश्ते गिना रही थी जो 37 साल पहले खत्म हो गए। हमारे शरीर तो बच निकले, लेकिन दिल उसी आग में जल गया, टायरों में फंसकर जलते अपने पिता भाइयों के साथ। 3 नवंबर 1984 को आर्मी और पुलिस वाले पहुंचे और जले हुए लोगों को ट्रक में पटकने लगे। इनमें से कई जिंदा थे, कईयों के मुंह से पानी मांगने की बुदबुदाहट आ रही थी, पानी पानी बुदबुदा रहे थे। सबको ट्रक में डालकर यमुना नदी में फेंक दिया गया। बहुत सारे लोगों के सिर हिल रहे थे, लेकिन उन्हें भी मुर्दों के साथ भरकर नदी के ठंडे पानी में बहा दिया गया। नवंबर का महीना था, अधजला शरीर के साथ बची कुची जान सर्दी में चली गई होगी। घर चल चुके थे, हम महीनों तक कैंपों में रहे। कभी खाना मिलता तो कभी पानी मिलता। सलवार कुर्ती का एक बेमेल जोड़ा 4-4 महीने तक पहना। अपनी ही गंध से नाक बनाती थी, लेकिन कपड़े तो पहनने ही थे। इसी बीच एक महिला का बच्चा प्यास से तड़प रहा था, लेकिन उस रोज किसी के पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी था ही नहीं। आखिरकार उसने अपना ही पेशाब उस छोटे से बच्चे को पिला दिया ताकि प्यास से उसकी जान ना निकल जाए। और ये सब बताते हुए निर्मल एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। निर्मल आगे बताती है कि साल भर जैसे तैसे कट जाता है, लेकिन अक्टूबर आते आते दिल बेचैन होने लगता है। अच्छे भले खाने से भी इंसानों के शरीर के जलने जैसी गंध आने लगती है। तब याद आता है कि कैसे अपनी आंखों के सामने हमने पूरे परिवार को जिंदा जलते देखा। 55 साल से ज्यादा उम्र की मजबूत शख्सियत पप्पी कौर, सिख कत्लेआम का जिक्र आते ही चेहरे की मजबूत रेखाएं खो देती है और बताती हैं कि वो लोग आए, सबसे पहले मोहल्ले की बिजली काट दी गई, फिर घरों के दरवाजे तोड़े। सबके हाथ में लाठियां थी, जिसके हाथ खाली थे उन्होंने जोर लगाकर हैंडपंप के हत्थे तोड़ लिए थे। लकड़ी के दरवाजे पर साकल चढ़ाकर हमने, कुंडी जिसको बोलते हैं, वो चढ़ाकर हमने घर का भारी सामान उसके साथ लगा दिया था, टिका दिया था ताकि दरवाजा देर से खुले। दूसरे रास्ते से घर की औरतें नेक दिल पड़ोसियों के पास भेजी जा रही थी। मुझे भी एक घर में छिपा दिया गया, वहीं से मैंने सब कुछ देखा। अपने पापा को जलते हुए देखा, 18 साल के भाई को जलते हुए देखा। जले अधजले शरीर जमीन पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें लांग कर हम एक घर से दूसरे घर में भाग रहे थे। हर तरफ मारो मारो की आवाज आ रही थी। तभी हम औरतों को भी पकड़ लिया गया और सबको लाइन में लगाकर खुले में बैठा दिया गया। दंगाई टॉर्च लिए घूम रहे थे वो, एक एक चेहरे पर रोशनी डालते, सबके शरीर को ऊपर से नीचे तक घूरते, पसंद आने पर उसको उठाकर ले जाते। एक एक औरत को 4-4 जने उठाकर ले गए। कितनी ऐसी औरतें थी जो वापस ही नहीं लौटी, और जो लौटी वो फिर पहले जैसी नहीं हो सकी। दहशत में पूरे पेट वाली औरतों के बच्चे पैदा हो गए, लेकिन ज्यादातर बच्चे मुर्दा पैदा हुए। दंगे शांत होने के बाद कैंप में गए, लेकिन वहां ना खाना मिला और ना ही पानी। हम अपने उन्हीं जले हुए घरों में लौट गए। पुलिस ने दरवाजे तो लगवा दिए थे, लेकिन दीवारों की कालिख अभी बाकी थी। रात में सोते तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती, कई बार रोने की आवाज़ से नींद खुलती। ध्यान से देखो तो माँ किसी कोने में बैठकर रोती मिलती। उसका पति और जवान बेटा चला गया था। पता नहीं कौन सा पाउडर छिड़ककर आग लगाई गई कि मिनटों में भुनकर खाक हो गई। पाउडर की बात तकरीबन सभी ने बताई, लेकिन जब इंटरनेट पर सर्च किया तो पता लगा कि इस कत्लेआम की गवाही देने वालों ने भी इंक्वायरी कमीशन के सामने किसी सफ़ेद पाउडर के छिड़काव की बात कही थी, और इसके बाद ही जलता हुआ टायर डाला जाता था। कहीं कहीं ये दावा भी है कि ये पाउडर और कुछ नहीं बल्कि वाइट फास्फोरस था, एक बेहद खतरनाक केमिकल जो चमड़ी से होते हुए हड्डियों तक को जला देता है। यहाँ तक कि ये सांस से होते हुए अगर शरीर में भी
चला जाए तो भी जानलेवा होता। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस पर बैन लगा दिया, लेकिन गुपचुप तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया। सफेद पाउडर डालकर आग लगाने की बात विडो कॉलोनी का हर पीड़ित कहता। ये अलग बात है कि सिख कत्लेआम पर इंक्वायरी कमीशन की ओपन रिपोर्ट में व्हाइट फास्फोर्स का जिक्र नहीं किया गया। वहीं कॉलोनी के बीचों बीच एक गुरुद्वारा है जहां दंगे में मारे गए लोगों की तस्वीरें लगी हैं, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस क्रूर हत्याकांड की गवाह है। गुरु साहब को मत्था टेकने आए लोग यहां भी आते। वहीं पर रहने वाले जितेंद्र सिंह सोनू एंटी सिख दंगा कहने पर टोकते हैं और कहते हैं कि दंगे में दोनों तरफ से मारपीट होती है, वो एक तरफा कत्लेआम था, सिखों को चुन चुन कर मारा गया ऐसे कि उनकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाए। और यही हुआ भी, घरों में रोती हुई औरतें ही बाकी रह गई। किसी किसी के हाथ में छोटे बच्चे थे, माएं आंसुओं में डूबी हुई थी और बच्चे नशे में डूब गए। विडो कॉलोनी की बड़ी आबादी में अब भी नशे की लत है। उनके पास घर तो है लेकिन ना जीने की वजह है और ना ही उम्मीद। ज़्यादातर बच्चों की माएँ कोर्ट के चक्कर काटते हुए ख़त्म हो गई और कई औरतें इतने गहरे डिप्रेशन में गई कि बच्चों की सुध भी नहीं ले सकी। 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। अगले दिन यानी 1 नवंबर 1984 को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। दंगे में कितने लोगों की मौत हुई इस पर अलग अलग रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पीटीआई न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक तब सिर्फ दिल्ली में ही करीब 2700 लोग मारे गए थे, जबकि देश भर में मरने वालों का आंकड़ा लगभग 3500 के करीब था। मई 2000 में दंगों से जुड़े केस की जांच के लिए जीटी नानावती कमीशन का गठन किया गया। 24 अक्टूबर 2005 को सीबीआई ने नानावती कमीशन की सिफारिश पर केस दर्ज किया। 1 फरवरी 2010 को ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार, बलवान खोकर, महेंद्र यादव, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, किशन खोकर, महासिंह और संतोष रानी को आरोपी के तौर पर समन जारी की। 30 अप्रैल 2013 को कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इसके बाद 19 जुलाई 2013 को सीबीआई ने हाई कोर्ट में सज्जन कुमार को बरी किए जाने के खिलाफ अपील की। 22 जुलाई 2013 को हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया। 17 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। बलवान खोकर, बागमल और गिरधारी लाल की उम्र कैद की सजा बरकरार रही। महेंद्र यादव और किशन खोकर की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई। दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में इसके लिए माफ़ी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हुआ उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। अब बात आती है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। 80 के दशक में अलगाववादी ताकतें खालिस्तान के लिए सशस्त्र आंदोलन कर रही थी और ऐसे ही आंदोलन से निपटने के लिए इंडियन आर्मी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया था। और जून 1984 में इसी ऑपरेशन के तहत खालिस्तानी आंदोलन प्रमुख जर्नैल सिंह भिंडरावाले समेत सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। 1980 से 1990 के दशक के बीच खालिस्तानी आंदोलन चरम पर रहा, लेकिन 1995 तक भारत सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया था। खालिस्तानी आंदोलन के बारे में जानकारी सर्च की तो पता चला कि यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खत्म होते ही शुरू हो गया था, भारत की आज़ादी के साथ ही, जिसका जिक्र खालिस्तान नाम की एक बुक में सबसे पहले किया गया था। 1947 के बाद प्रवासी सिखों के वित्तीय, राजनीतिक और पाकिस्तान के ISI के समर्थन में यह आंदोलन भारत के पंजाब राज्य में फलने फूलने लगा और 1980 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गया और अपने ही देश के खिलाफ ये आंदोलनकारी हथियार से लैस होकर विद्रोह पर उतर आए। इस आंदोलन पर पाकिस्तान का इतना प्रभाव था कि 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद उस समय की पाकिस्तान की प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने खालिस्तान बनाने में मदद तक का प्रस्ताव रख दिया। भारत सरकार और सेना के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार ने इस उग्रवाद को 1995 तक कुचल दिया, लेकिन इस ऑपरेशन में कई सारे आम लोग भी मारे गए, जिसके कारण भारतीय सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लगे। इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारे गए आम लोगों के विरोध में कुछ भारतीय सिख और प्रवासी सिख आज भी खालिस्तान का समर्थन करते दिखते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए भिंडरावाले की मौत से नाराज सिख बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। दिल्ली में त्रिलोकपुरी, शाहदरा, गीता कॉलोनी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी और पालम इलाके में इन दंगों के कारण कत्लेआम हुआ। दंगों की जांच के लिए 10 से ज़्यादा कमेटियां बनाई गई, जो आज तक दंगे के पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिला पाई है।
खून खराबे के लिए उकसाने के आरोप में कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। वहीं 100 से ज़्यादा सिखों के हत्या के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आज भी कांग्रेस में बने हुए हैं। दोस्तों, इस पूरे हत्याकांड के बारे में वीडियो बनाने का मेरा मोटो सिर्फ दो ही बातों पर फोकस्ड है। एक तो उस समय की गई क्रूरता और इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस हत्याकांड में सिस्टम और सरकार का फेलियर, और दूसरा मानवता पर हावी होती राजनीति। सबसे ऊपर होनी चाहिए मानवता और दया की भावना, जो शायद आज तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। 1984 के दंगों में सिख लोगों को उनके ही पड़ोसियों ने जितना बचा सकते थे उतना बचाया, लेकिन राजनेताओं से प्रेरित अति उत्साहित हैवानों ने इंसानियत का गला घोट दिया। मैंने वीडियो इसलिए बनाई ताकि सभी लोग इस हत्याकांड में हुई क्रूरता को जाने, उसके पीछे का कारण जाने और उसका रिजल्ट कितने परिवारों को लील गया ये भी जाने। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा। नमस्कार।